फोटो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की रेसिपी क्या है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने बीन्स लिए हैं, चॉप कर दिया है उनको बारीक बारीक। आलू लिए हैं मैंने दो, उनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। लहसुन लिया है मैंने दो तीन कलियाँ, उनको भी मैंने चॉप कर दिया है। और एक मैंने आपको टमाटर दिखाया, उसे मैं आगे आपको चॉप करके दिखाऊंगी। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है और उसमें मैंने डाला तेल, तेल के बाद मैंने डाला ज़ीरा, ज़ीरा के बाद लहसुन, और लहसुन को फ्राई करने के बाद हम उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हमें इन आलू को ना अच्छे से पकाना है क्रिस्पी होने तक। तो यही इस सब्ज़ी की जो सीक्रेट है वो यही है कि आपको जो आलू हैं वो पहले तेल में डाल करके और उनको अच्छे से पका देना है। और उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया टमाटर, वो मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर अगर आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे टमाटर जो हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं, देखिए गोल्डन सा इनका कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स। बीन्स को भी आपने ऐसे ही जैसे हमने आलू फ्राई किए हैं ना इस तेल में, उसी तेल में आपने बीन्स को भी फ्राई करना है। तो बस 5 से 6 मिनट तक मैं इसको ऐसी खुले में अच्छी तरह से रोस्ट करती रहूँगी। और उसके बाद हम आगे इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले भी मैंने बिल्कुल सिंपल से रखे हैं। ये मैंने आधा चम्मच धनिया डाला है, थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है आधी चम्मच से भी कम, और आधी चम्मच से भी कम मैंने डाली है हल्दी। अब हम मसालों के साथ इसे अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितना भी पसंद है उतना नमक डालिए। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए आपको ना इसमें तेल भी कम दिख रहा होगा, तो आप कम तेल में भी इस सब्ज़ी को अच्छे से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सब्ज़ी में तेल डालकर ही आपकी जो सब्ज़ी का स्वाद है आप उसको बढ़ाएंगे। तो बस उसके बाद मैंने टमाटर जो थे ना, पहले मैंने सब्ज़ी को साइड में किया और उसके बाद बीच में मैंने कढ़ाई के तलवे पे टमाटर को डाल दिया। और अब मेरे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो देखिए कितनी प्यारी कलरफुल लग रही है ना सब्ज़ी। आप चाहें तो इसको मिक्स वेजिटेबल की तरह भी बना सकते हैं, आप इसमें मटर, शिमला मिर्च या कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से करछी को चला दिया और ये बन करके बिल्कुल तैयार है। बस 2 मिनट में इसे और ढक्कन रख के पकाऊंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया लगी है सब्ज़ी, पराठे के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए अब मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और बनाइए और बनाकर अपने घर वालों को खिलाइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।